हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक के बारे में कि आपको होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन इमरजेंसी में अपने घर पे रखना चाहिए। तो आज हम 10 ऐसे मेडिसिन की बात करेंगे जो कि आप अपने घर पे जरूर रखिए। ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, उसके साथ साथ आप इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। टॉप 10 फर्स्ट एड होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको घर पे रखनी चाहिए। तो इसमें पहली मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आपको अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, या फिर सर्दी जुकाम बुखार या हरारत हो, तो एकोनाइट का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसको आप 5 बूंद रिपीट भी कर सकते हैं, या 5 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोन्टाना। अगर आपको कहीं भी चोट लग जाए, या बाइक से गिर गए हैं, या फिर आप कहीं भी हल्का सा चोट लग जाए, उसके साथ साथ उसमें सूजन हो जाए, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोन्टाना। उसके साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाए रखता है, ब्लड को साफ करता है। उसके साथ साथ आर्निका मोन्टाना आपके हेयर फॉल को भी रोकता है। और उसके साथ साथ अगर आपको मसल्स पेन है, नर्व पेन है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोन्टाना। अगर आपको सुबह उठते उसमें जकड़न रस्ता जैसा रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोन्टाना। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको लंबे समय से सर्दी हो, या बार बार छींक आ रही हो, एलर्जी टाइप के हो, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ आपको फूड पॉइजनिंग, अगर बाहर के खाना खाने से आपको फूड पॉइजनिंग होंगी, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ स्किन डिसीज में, जैसे खुजली और छोटे छोटे रेशे निकल जाना, उसमें भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा वर्क करता है। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना सर दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ साथ इन्फेक्शन में बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको बाल तोड़ हो गया है, बाल तोड़ में दर्द और रेडनेस है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है बेलाडोना। अगली मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्प। अगर आपको बुखार है, हरारत है, पैर में दर्द है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बुखार की मुख्य दवा है यूपिटोरियम पर्प। अगली दवा है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका अगर आपको गैस, एसिडिटी, अपच है, इंडाइजेशन है, या फिर लेट्रिन साफ नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। अगली दवा है एपिकॉक। अगर आपको उल्टी हो रही है या मिचली आ रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है एपिकॉक। अगली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स अगर आपको पैर में दर्द है, या गठिया बात है, पूरे शरीर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके साथ साथ घमौरियाँ, अगर ठंडी ठंडी में आपको पैरों में दर्द या गठिया बात की समस्या बढ़ जाती है ठंडी में, या बरसात के समय में, तो बहुत अच्छा वर्क करता है रस्टॉक्स। अगली मेडिसिन है कैलेंडुला। कैलेंडुला अगर आप कहीं गिर गए हैं, चोट लग गया, छिल गए या कट गया है, तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये कैलेंडुला मदर टीचर। इसको आप सुबह शाम लगाइएगा। ये एलोपैथिक के क्रीम से भी 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट देता है कैलेंडुला मदर टिंचर, अगर आपको कहीं छिल गया या कट गया हो तो। अगली मेडिसिन है पोडोफाइलम। अगर आपको पेट में मरोड़ के साथ साथ दस्त हो रहा है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में। ये सभी होम्योपैथिक दवा अपने अपने सिम्टम्स के अनुसार बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप इसको फर्स्ट एड के रूप में अपने घर पर रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।